ड्रामा सीरियल बहरूप 100 to last एपिसोड बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि अब किंसा का जो इंजाम है वो शुरू हो चुका है। इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सारा जो है वो खुल कर तैमूर को अपनी मोहब्बत का इजहार फिर कर रहे थे। उससे कहते हैं कि तैमूर, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम कब वापस आओगे, आपने जब क्या सोचा है मेरे बारे में, कुछ मुझे बताएंगे। ये बातें जब सुनते तैमूर तो वो ज़ारा को साफ अल्फाज में इनकार करते, उससे कहते कि प्लीज़ आप इस सब की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी जो है तो मेरे दिल में वो मकाम नहीं ले सकती, मैं आपको भूलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप भी जो है वो मुझे भूल जाएं। सारा ये बातें सुनती तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। तैमूर को कहती कि नहीं नहीं तैमूर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मोहब्बत जो है वो नाकाम हो जाएगी, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है। तैमूर कहते कि नहीं सारा, मैं फलक को किसी भी सूरत में मायूस नहीं कर सकता, उसका दिल नहीं दुखा सकता, बस आप मुझे भूल जाएँ और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएँ। ये बातें सारा सुनती तो वो तैमूर को कहती कि ठीक है, जब वो आपका फैसला है तो फिर मैं ये दिल के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन याद रखना कभी भी जो है वो तुम्हारी जगह को भी नहीं ले सकता, मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी। तैमूर समझाने की कोशिश करता है सारा को, उससे कहता है कि नहीं, तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारनी, बल्कि अपना जीवन साथी कोई अच्छा सा मुख्तसर करना है, उसके साथ आपने शादी कर लेंगे। लेकिन साफ अल्फाज में सारा इनकार कर देती और कहती है कि नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरा जो है शादी करने का कोई भी मूड नहीं है। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि किंसा जो है फलक के आगे बार बार हाथ जोड़ती है, उससे माफ़ी मांगती है, उससे कहती कि प्लीज़ आप जो वो तैमूर को समझाएं, उसे कहें कि मुझे माफ़ करें, लेकिन साफ अल्फाज में इनकार कर देती है फलक, उससे कहती कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं माफ़ कर दूं। तैमूर ने आपके साथ जो वो जो कुछ किया, आप उसके पास जाएं, उससे माफ़ी मांगें, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, मैं माफ़ नहीं कर सकती, आप जाएँ और जाकर जो वो माफ़ी मांगे, अगर आपको माफ़ कर देता है। तैमूर किनसे कहती है कि आप बोलेंगी तो वो मुझे ज़रूर यकीन है कि वो माफ़ करेगा, क्योंकि मेरी जो है अब कोई पीछे वो जगह नहीं है, वो मैं उसका सामना ही नहीं कर पा रही। समझाने की कोशिश करती है उसे वहाँ पर, फलक उससे कहती है कि जब एक दफ़ा आप जाएंगी उसके आगे हाथ जोड़ेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको माफ़ कर देगा। तो वहाँ पर सारा भी जो है वो अपना गुस्सा सारा किनसे कुंभ निकाल देती है, उससे खूब बातें सुनाती है, उससे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अगर ये सब कुछ ठीक करती तो कभी भी ऐसा ना होता, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं था, जिंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं तुमने, नुकरानी भी किंसा की कोई भी बात नहीं सुनती, और वहाँ से किंसा को आखिरकार बेदखल कर देती हैं। शुक्रिया दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।